सारे ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी, और जो आज का व्लॉग होने वाला है थंबनेल लेके तो आप लोग समझ ही गए होंगे। जी हाँ, एप्पल सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो आज का जो व्लॉग है एप्पल सीज़न के ऊपर ही है, एप्पल्स के ऊपर ही है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए, एप्पल सीज़न स्टार्ट कर रहे हैं हम, मतलब एप्पल्स की उड़ान शुरू होने वाली है। तो उससे पहले क्या करते हैं, हम एप्पल्स को निकाल कर अपने मंदिर में चढ़ाते हैं, तो हलवा भी बनाते हैं और एप्पल भी निकालते हैं। तो मैं एप्पल निकालती हूँ, कितना सुंदर एप्पल है। और यहाँ पर अनवी पकड़े हुए हैं। अनवी अच्छे से पकड़ो बेटू, गिराना मत, है ना, अच्छे से। हाँ, यहाँ देखो, बुआ को देखो। ना दूसरा। अच्छा दूसरा, ठीक है, दूसरा भी निकालते हैं। तो ये रखते हैं मंदिर में। यहाँ हलवा रखा है मम्मी ने अभी बनाकर, और यहाँ मंदिर में रखते हैं हम। सबसे पहला भोग यहीं चढ़ता है। किसान भाइयों, सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। फिर आज हमारा जो सफ़र वैरायटियां हैं इसका हार्वेस्टिंग का काम शुरू हो गया हुआ है। तो हमारा ये जो ब्लॉक है इसमें हमने शील्डिंग पे तैयार किया है, ये मतलब इसमें इटालियन सुपर चीप प्लस यूएसए सुपर चीप और रैंडम गाला और गेल गाला और ग्रैनी स्मिथ इस वाले बगीचे में हमने लगाया है। और ये सारा हमने जो है शील्डिंग पे तैयार किया है। तो ये थोड़ा सा इसमें कमी क्या आ गया हुआ कि भाई बारिशें कम हो रही है यहाँ पे, तो इस वजह से थोड़ा सेब में साइज़ में फ़र्क आ गया हुआ है। लेकिन बाकी की तरफ से सेटिंग देखो, इसका सारा सब कुछ जो भी है वो सब बिल्कुल अच्छा दिखता है। लेकिन एक मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि भाई जिस हिसाब से हम सफ़र वैरायटियों को देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि भाई जो हमारा ट्रेडिशनल रॉयल है अभी तो बिल्कुल हरा दिखता है। तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में जो है ये रॉयल रेड रिचर्ड ये जो है इतना कामयाब नहीं रहेगा यहाँ पे, जैसा अपर किन्नौर में है अपना चांगो लियो हांगरंग वैली, आगे काजा से 15-20 किलोमीटर पीछे हुडलिंग तक सेब है। तो वहाँ पे ये अभी ट्रेडिशनल जो रॉयल रेड रिचर्ड है ये चलेगा, लेकिन ये जो हमारा मिडल बेल्ट और लो बेल्ट है, ये जो निचार ब्लॉक और कल्पा ब्लॉक है और पू का आधा हिस्सा, तो इसमें ये रॉयल रिचर्ड चढ़ना अब बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो है मैं बागवान भाइयों से यही कहता हूँ कि भाई शील्डिंग पे जो है यही सफ़र वैरायटियाँ अच्छे अपने आप चुने, जो पसंद आए उसी को ही आगे ग्राफ्टिंग करके और ये पौधे लगवाए। और इसमें काम करना बहुत सहूलियत है, सेब तोड़ना आसान है, स्प्रे करना आसान है, प्रूनिंग करना आसान है, खाद पानी देना आसान है, इसमें हर तरफ से इसमें सहूलियत बहुत है। क्योंकि जो हमारा ट्रेडिशनल रॉयल पेड़े हैं वो इतने बड़े बड़े हैं कि भाई जिसमें कितने ही फल लगता है उसमें 8-10 पेटी लगता है, तो 8-10 पेटी लगता है तो उसमें खर्चा कितना आ रहा है उसको कैलकुलेशन करके पूरा निकाला जाए तो हमारा जो है ये जो इस वाले जो सफ़र में काम कर रहे हैं उसमें रात दिन का फ़र्क है। और दूसरी बात ये है कि भाई अब आगे जो है मार्केटिंग में काफ़ी कंपटीशन है, क्योंकि ये इंडियन मार्केट है। इंडियन मार्केट में जो है ना टेबल मार्केट होता है कि भाई टेबल पर सेब लाल दिखना चाहिए, चाहे उसका स्वाद हो ना हो,
पर इसको जो है मतलब बिल्कुल ऐसा देखते हैं कि भाई खूबसूरत दिखना चाहिए, लालगी होना चाहिए, बस यही देखते हैं, उसमें गुण नहीं देखते हैं। यहाँ पे जो इंडिया के लोग हैं वो इस तरह नहीं देखते हैं। जो यूरोपियन कंट्री में सबसे पहले जो पसंद जो करते हैं तो ग्रैनी स्मिथ को करते हैं, ग्रैनी स्मिथ चैलेंजर उसको ज़्यादा पसंद करते हैं फॉरनर। तो हमारे यहाँ लोग देखते हैं ग्रैनी स्मिथ को, देखते हैं तो ये सोचते हैं कि यार ये तो बिल्कुल हरा है, ये ठीक नहीं है, लेकिन उसका जो गुणवत्ता है वो किसी को मालूम नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो धीरे धीरे मालूम हो जाएगा, सारे एक आपस में एकजुट होकर के काम करेंगे तो मतलब सीख जाएंगे। और दूसरा ऊपर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी लगे हैं अपने तैयारियों में कि भाई बागवानों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दें और प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, अपने PCDOs में बुलाते हैं तो कैंपे लगवाते हैं। लेकिन वहाँ जा कर के लोग सीखने के तौर से नहीं जाते हैं, वो घूम फिर करके आ जाते हैं। वहाँ उन्होंने तो सिर्फ वहाँ 2-3-4 दिन कैंप लगाना है, उसमें हमें खुद सोचना है कि हम बार बार वार्तालाप करें उनसे, पूछें ये क्या है, ये किस लिए क्या होता है, कैसा होता है, तो वो इंटरेस्ट नहीं होता है यहाँ पे ना। जो अच्छे बागवान हैं उनको मौका नहीं मिलता है जाने के लिए वहाँ पे, जो ट्रेनिंग सेंटर हैं इनके हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर जो भी हैं इनके। और दूसरी बात ये है कि भाई इस बार जो है ये वायरस के वजह से हमारा जो जितना भी एग्रीकल्चर साइड देखो हॉर्टिकल्चर साइड देखो बहुत प्रॉब्लम है, लेबर की कमी है, पैकरों की कमी है। अगर जब तक लेबर हमारे नहीं होंगे तब तक ये कार्य नहीं चलेगा, जब तक लेबर हमारे पास भरपूर होगा तभी चलेगा। तो इसलिए मैं सभी बागवान भाइयों से ये कहता हूँ कि भाई अगर रूस्टॉक पे काम, वैसे तो रूस्टॉक पे दोनों पे काम करना चाहिए क्योंकि साथ साथ चलना चाहिए दोनों काम, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो शील्डिंग पे करो। शील्डिंग पे ऐसा है कि भाई आप सारे ट्रेंड है, खुद ग्राफ्ट करते हैं, सारे ग्राफ्टिंग पता है, चिप ग्राफ्ट, टंग ग्राफ्ट सारे पता है लोगों को यहाँ पे, उस हिसाब से चलना चाहिए ताकि जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है सफ़र पर ध्यान दे और अच्छा पैसा कमाए, अच्छी ज़िंदगी जिए। धन्यवाद। गाइस यहाँ बगीचे से सेब इस तरीके से उठाकर नीचे, यहाँ से नीचे रोड है, यहाँ से नीचे तो रोड पे ट्रक खड़ी है हमारी, तो ट्रक तक ले जाने के लिए इस तरीके से ले जाना पड़ रहा है हमें। और उसके बाद वो ट्रक दूसरे बगीचे में जाएगी, वहाँ हमने मशीन लगाया ग्रेडिंग मशीन। तो पहाड़ों में इस तरीके से काम होता है, मतलब ज़्यादा चीज़ें उठाने पड़ते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बगीचे में आपकी मतलब गाड़ी पहुंचती हो। तो इस तरीके से इस बार वैसे भी लेबर्स का शॉर्टेज है इतना, तो फिर भी चल रहा है काम, कर रहे हैं हम। डिस्ट्रिक्ट मंडी करसोग से आए हुए हैं सेब तोड़ने, सेब पेटी भरने, सेब तोड़ने, इसमें सेब भी तोड़ना पड़ता है, पेटी भी भरना पड़ता है। और हम अभी कॉन्टेन रहे थे, उसके बाद हम अभी काम कर रहे हैं, अभी आज बगीचे में आए हुए हैं पहले दिन, अभी हमारा 8-10 दिन लग जाएगा। 1,000-1,200 पेटी हमारे बाबूजी की, ये वरायटी इसमें पौरे हमारे तो नीचे था ही नहीं सेब बिल्कुल, कुरसोग में बहुत कम सेब था। अब यहाँ तो देखो कितना सेब लगा हुआ है, सा लगा हुआ है, बहुत बढ़िया सेब है इस पर वरायटी। और हम मेरे साथ और भी 4-5 बंदे आए हुए हैं, अभी हम फर्स्ट राउंड में आए हुए हैं सफर तोड़ने। उसके बाद हम 15 तारीख के बाद, सितंबर के बाद दोबारा रॉयल रिचर रेड तोड़ने आएंगे। नमस्कार जी, हम गाड़ी वाले हैं, हम परमाणु से गत्ता लेके आए हैं कनौर के लिए। अब गाड़ी खाली कर दी है गत्ता, अब हम क्रेट लेके आए हैं गाड़ी में, अब बगीचे में सेब तोड़ रहे हैं। अब यहाँ से क्रेट लोड करके ऊपर मशीन में जाएंगे, वहाँ पेटी भरेंगे, फिर नीचे जाएंगे सेब मंडियों में लेके, वापस फिर कनौर में आएंगे। हम परमानेंट बाऊ के बाद 5-6 साल से सेब ढो रहे हैं, अब फसल ठीक है इस पर। पूर्वनी
छोंग ठोंग सड़क जो है वो नीचे पोल बह गया है। अब नवा रोड निकाला है, उसमें टक्कर बहुत ज़्यादा है। अब वहाँ 400-450 पेटी लेके गाड़ी चढ़ेगी, पर हेल्पर साथ है नहीं है, कहीं टक्कर में खड़ गई है तो वहाँ पत्थर लगाने की वो मुश्किल है। अब सरकार से विनती है कि उस रोड पोल को या पोल बना दे या उस टक्कर को पक्के कर दे। बहुत धन्यवाद जी। चाय पी लो, बहुत मीठा है। क्रेट लेके नीचे बगीचों में जा रहे हैं, वहाँ से लोड करके ले आ रहे हैं। अब खाली हो रहा है क्रेट, अब फिर इसके बाद खाली क्रेट लोड करके नीचे जाएंगे बगीचों में, फिर लेके आएंगे। और देखो रीपैकिंग हो रही है पेटियों में, कनौर एप्पल होया है, तो उसके बाद लोड करेंगे गाड़ी में, मंडियों में पहुँचाएंगे और आपके पास पहुँच जाएगा। किसान भाइयों, अब हमने बगीचों से आप तोड़ करके गुड़ौन तक पहुंचाया है क्रेटों में। अब हम पैकिंग का शुरू हो गया हुआ है, और ऊपर से क्या कहते हैं, मौसम भी ख़राब हो रहा है आज, तो अंदर का काम चल रहा है ये गुड़ौन में। तो ये क्या बोलते हैं, अपना इस बार थोड़ा साइज़ में भी फ़र्क है सेब में, क्योंकि बारिशें हुई नहीं यहाँ पर, बहुत मौसम ड्राई चला गया, और आने वाले समय में भी अगर बारिशें ना हो तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो फिर ये जो पैकिंग की बात है, पिछले साल कई लोगों ने कमेंट किया था कि भाई ये जो पैकिंग हो रही है इसके बारे में, कि भाई ये सेब के ऊपर वैक्स हुआ है, तो ये वैक्स नहीं है, ये मशीन जो है ना सिंगल है, क्योंकि मशीन पूरा आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि वैक्स के लिए टंकी साथ लगा होता है मशीन के साथ, उसमें वैक्स मिलाया जाता है, उसमें ड्रिप होता है, फिर आगे आता है फैन चलता है, फैन चलने के बाद तब जा करके आगे ग्रेड होता है इसका, तो वो सिस्टम नहीं है कि हम ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा जाना चाह रहे हैं। और ये जो क्या बोलते हैं, मशीनों से एक ये फ़ायदा हुआ किसानों को कि भाई चलो ज़्यादा मतलब समय नहीं लगता है, कि एक दिन में जो इस साइज़ का मशीन है, कम से कम एक दिन में अगर पैकिंग अच्छा हो जाए तो मतलब 300-350-400 बॉक्से निकल जाता है, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इसमें तो जो है सिर्फ आदमी चाहिए, बगैर आदमी का तो काम चलेगा नहीं, तो इसलिए आदमी सब अपने अपने जगह सेट हो तो एकदम इमीडिएट जो है पैकिंग जो है दिन का 350-400 बॉक्सा निकल जाता है। अच्छा, फिर रही बात इसकी जो शाइनिंग, ये अपना नेचुरल शाइनिंग है, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से कमेंट किया था पिछली बार इसी सेब हार्वेस्टिंग के ऊपर वीडियो जो बना था, तो लोगों ने कहा था कि भाई ये जो है वो हुआ है, क्या कहते हैं अपना वैक्स हुआ है, तो यहाँ पे वैक्स किन्नौर में कोई यूज़ नहीं करता है। किन्नौर में जो है कोई भी किसान जो है वैक्स यूज़ नहीं करता है, जहाँ तक हो सके यहाँ पर। नमस्कार जी, हम यहाँ से पैकिंग के लिए कुछ से आए हैं और से पैकिंग कर रहे हैं, और ये से ग्रेड है मीडियम साइज़ का है, और ये स्मॉल है, और ये स्मॉल का छोटा गिफ्ट पेटी भर रहे हैं। और सेब की बहुत अच्छी शाइनिंग है, बहुत अच्छा सेब है, और ये एक्स्ट्रा स्मॉल है, और ये 6 लेयर की पैकिंग हो रही है जी। वैसे बहुत अच्छी पैकिंग करते हैं हमारे घनश्याम जी, और ये भी 6 लेयर है जी, और ये 7 लेयर जो छोटा छोटा आता है वो 7 लेयर में डालती है। हाँ जी, स्टेपिंग हो रही है, पहले क्लिप डालना है, फिर इसमें लगाना है, और
उसके बाद इसे टाइट करना है। इसे फिर स्टॉप करना है इसको। और हो गया जी, कोरोना बीमारी आई है इसकी, इसका पूरा पालन कर रहे हैं हम गाड़ी में ही राशन पानी रखा है और गाड़ी में ही खाना चाय पानी बनाते हैं। जो हमारा सिलेंडर है, बर्तन है, हमारे पास सब कुछ है। हम गाड़ी में अब एक पर लोड हो जाएंगे, उसके बाद हम बिल्टी जो चलान हमारे को गाड़ी में मिल जाएगा, उसके बाद हम चलेंगे। कहीं होटल में नहीं रुकते हैं हम, सुनसान जगह पर गाड़ी खड़ी करते हैं, वहाँ खाना बनाते हैं, चाय पानी बनाना, खाना पीना अपना। उसके बाद हम मंडी में पहुंच जाते हैं, तिरपाल खोल के हम गाड़ी में बैठे जाते हैं। हम नहीं क्या होते, कहीं बाहर नहीं घूमते हैं, और जो सरकार ने नियम बताए हैं उसका पूरा पालन कर रहे हैं हम। धन्यवाद जी। आप लोगों ने क्या क्या देखा इस ब्लॉग में? आप लोगों ने देखा कि एप्पल किस तरीके से पैकिंग हो रही है। मैंने लास्ट ईयर भी वीडियो बनाया था, पर इस बार भी वीडियो बनाया आप लोगों को कि रिक्वेस्ट पर। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे थे मुझे, एप्पल सीजन स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, आप लोगों के वहाँ ज़रूर दिखाइएगा, इसलिए मैंने व्लॉग शूट किया। और लास्ट ईयर जो वीडियो था उसमें शाइन को लेकर काफ़ी मतलब कमेंट्स मुझे देखने को मिला था कि आप लोग वैक्स यूज़ करते हैं, तो आप लोगों ने देखा कि हम वैक्स बिल्कुल यूज़ नहीं करते। ये नेचुरल शाइन है, जब आप एप्पल को मतलब मशीन में अच्छे से साफ़ होकर निकल रहा है तो वो नेचुरल शाइन खिल कर आ रहा है, तो वो नेचुरल शाइन है। और किस तरीके से पैकिंग हो रही है, किस तरीके से हमें काम करना पड़ रहा है, कहीं बगीचे में सड़क नहीं है, मतलब रोड नहीं है, तो ढलान करके रोड तक पहुँचाया जा रहा है, फिर मशीन तक लाया जा रहा है, इस तरीके से पहाड़ों में काम होता रहता है। तो ये वाला व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।